आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहडोल पुलिस सहित जबलपुर एसटीएफ की नजरों से भाग रहे 15,000 के इनामी बदमाश को आखिरकार रीवा पुलिस ने गुजरात भागने से पहले ही पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पकड़े गए शातिर अपराधी पर अलग अलग थाना क्षेत्र से 15,000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी शिवम सिंह बघेल उर्फ डिग्गी, पिता मोरध्वज सिंह बघेल निवासी बैकुंठपुर कस्बा जो रीवा जिले के सिरमौर सोहागी बैकुंठपुर थाना शहडोल जिले के गोपारू थाना क्षेत्र से फरार था। इसके अलावा शिवम की तलाश जबलपुर एसटीएफ भी लंबे समय से कर रही थी। शिवम के ऊपर सभी जगह से मिलाकर 15,000 का इनाम घोषित था। बताया गया है कि जबलपुर एसटीएफ सहित रीवा की सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली कि शातिर अपराधी शिवम सिंह रीवा रेलवे स्टेशन से गुजरात भागने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर एसटीएफ की मदद से गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए सिरमौर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। बताया गया है कि आरोपी के ऊपर एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य कई मामले दर्ज थे। इस पूरी कार्रवाई में सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा, उप निरीक्षक राहुल सोनकर, एसटीएफ इकाई जबलपुर के आरक्षक प्रभात सिंह बघेल, आरक्षक आनंद पांडे की प्रमुख भूमिका रही। सर, ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शातिर बदमाश पकड़ाया गया, एनडीपीएस में कई मामले में फरार था और काफी नाम था। हाँ, ये शिवम सिंह उर्फ डिक्की, ये बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला, 21 साल की इसकी उम्र है। ये रीवा जिले के 4 मामलों में फरार था। 2 एनडीपीएस के मामले थे, एक थाना सुहागी का और एक थाना गढ़ का। सुहागी के मामले में इसके ऊपर 3,000 रुपये का इनाम भी था। इसी तरह से 2327 के मामले भी थे अड़ीवाजी के, एक बैकुंठपुर का और एक सिरमौर का। सिरमौर के मामले में 2,000 रुपये का इनाम था। इसके अतिरिक्त थाना गोपारू है शहडोल जिले में, वहाँ से भी 10,000 रुपये का इसके ऊपर इनाम घोषित था इस आरोपी को। और एसटीएफ की मदद से उनकी जानकारी के आधार पर थाना प्रभारी सिविल लाइन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गुजरात भागने की फिराक में चल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से बदमाश लगातार पिछले 4 वर्षों से फरार चल रहा था, तो पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही थी, तो पुलिस से बचने के लिए फरार होने की कोशिश कर रहा था।